अगर आपको इस लैपटॉप का वारंटी अपग्रेड करना है तो विद इन वन डेज के अंदर ही करना होगा तो आपका वारंटी थ्री ईयर का हो जाएगा हेलो दोस्तों मेरा नाम है सोहेब सिद्दीकी और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लैपटॉप एडवोकेट पर आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक आसूस के लैपटॉप की ये देखिए ये है वो हमारा आसूस का लैपटॉप और इसका मॉडल नंबर है आसूस एक्स फाइव वन फाइव जे ए जे थ्री ज़ीरो वन टी तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो सबसे पहले बात करेंगे इसके प्रोसेसर के बारे में तो इसके अंदर इंटेल आई थ्री टेन जनरेशन का प्रोसेसर इंस्टॉल्ड है और इसकी क्लॉक स्पीड है वन पॉइंट टू गीघा हर्ड तो अब बात करेंगे इसके जी पी यू के बारे में इसके अंदर इंटेल का अल्ट्रा एच डी ग्राफिक्स दिया हुआ है तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके स्टोरेज के बारे में इसके अंदर वन टी बी का साटा हार्ड ड्राइव इंस्टॉल्ड है जो कि वर्क करता है फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड आर पी एम पर और अगर आप चाहो तो इसके अंदर एक एस का स्लॉट भी अवेलेबल है अगर आपको परफॉर्मेंस बूस्ट करनी है तो आप एक एस एस करके इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हो इसके अंदर स्लॉट अवेलेबल है तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके मेमोरी के बारे में इसके अंदर फोर जी का रैम इंस्टॉल्ड है तो फ्यूचर में अगर आप इसका रैम अपग्रेड करना चाहते हैं तो इसके अंदर दो स्लॉट नहीं दिए हुए हैं इसके अंदर सिर्फ़ एक ही स्लॉट दिया हुआ है तो आपको जो ये रैम इंस्टॉल्ड है इसके अंदर इसको निकाल कर आपको दूसरा रैम इंस्टॉल करना पड़ेगा तो चलिए अब करते हैं लैपटॉप की अनबॉक्सिंग और इसके बाकी के टॉपिक कवर करते हैं कुछ इस तरीके की पैकिंग में लैपटॉप आता है इसको मैंने पहले अनबॉक्स कर लिया था क्योंकि मुझे इसे टेस्ट करना था ये देखिए ये हमारा ये लैपटॉप इसके साथ में आता है एक थ्री पिन इंडियन पावर कॉर्ड और इसके साथ में इन्होंने दिया हुआ फोर्टी फाइव वोट का एडप्टर तो चलिए अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में इसके अंदर फिफ्टीन पॉइंट सिक्स इंच का नाइनटीन ट्वेंटी पॉइंट टेन एटी पी फुल एच डी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले इंस्टॉल्ड है और इसका डिस्प्ले टाइप एल ई डी है और इसका डिस्प्ले वन फोर्टी फोर पिक्सल पर इंच के साथ आता है तो चलिए आपको इसके डिस्प्ले के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ बहुत लोग का क्वेश्चन रहता है अगर उनका लैपटॉप फुल एच नहीं है तो उसके अंदर फोर के वीडियोज नहीं चलेंगी या टू के वीडियोज नहीं चलेंगी तो ये देखिए सिर्फ टेन का लैपटॉप है फुल एच लैपटॉप है लेकिन इसके अंदर आप देख सकते हो ये देखिए फोर के तक वीडियो सपोर्ट करता है ये तो फुल एच है इसके अंदर फोर के शो हो रहा है लेकिन अगर आपका लैपटॉप फुल एच नहीं है तो भी आप उसके अंदर फोर तक वीडियो प्ले कर सकते हो तो चलिए अब बात करते हैं इसके पोर्ट्स के बारे में तो सबसे पहले आप ये देख सकते हो यहाँ पे डीसी पावर जैक दिया हुआ है और एक यूएसबी टाइप सी 3.0 दिया हुआ है और ये एक एच पोर्ट यहाँ दिया हुआ है और ये यूएसबी 3.0 टाइप ए दिया हुआ है अब आ जाते हैं इसके दूसरे साइड के स्लॉट के ऊपर तो अब बात कर लेते हैं इसके दूसरे साइड के स्लॉट्स के बारे में तो सबसे पहले आप देख सकते हो ये चार्जिंग का इंडिकेटर है अगर आपका बैटरी चार्ज हो रहा है तो ये इंडिकेट करेगा ये पावर इंडिकेटर है अगर आपका लैपटॉप ऑन है तो ये इंडिकेट करेगा और उसके बगल में दिया हुआ एक कार्ड रीडर का स्लॉट इसके अंदर माइक्रो एच कार्ड रीडर का स्लॉट दिया हुआ है और ये देख सकते हो आप फर्स्ट और ये सेकेंड ये दोनों यू टाइप ए टू के स्लॉट्स हैं और इसके बगल में देख सकते हो आप यहाँ पर सेफ्टी लॉक दिया हुआ है तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके टचपैड की और इसके बैटरी के बारे में तो सबसे पहले आप ये देख सकते हो इसके अंदर एक फुल साइज़ का टचपैड इन्होंने दिया हुआ है और ये टचपैड मल्टी गिस्टर को सपोर्ट करता है तो अब बात कर लेते हैं इसके कीबोर्ड के बारे में इसके अंदर एक स्टैंडर्ड नोटबुक कीबोर्ड दिया हुआ है विथ न्यूमरिक पैड और यहाँ पे देख सकते हो आप इसके अंदर इसका पावर बटन भी दिया हुआ है तो अब बात कर लेते हैं इसके बैटरी के बारे में इसके अंदर सिर्फ टू सेल का बैटरी दिया हुआ है और ये लिथियम पॉलीमर बैटरी यूज़ किया इन्होंने और इस लैपटॉप के बैटरी का एवरेज बैकअप फाइव आवर्स है लेकिन अगर आप यूज़ करोगे तो ये आपको सेवन टू एट आवर्स का बैकअप देगी लेकिन अगर आप इसके अंदर फुल ब्राइटनेस पे करके वीडियोस देखते हो या कोई गेम खेलते हो तो लगभग पाँच घंटे के अंदर आपका बैटरी लो हो जाएगा तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके स्पीकर्स के बारे में तो ये देखिए यहाँ पर और यहाँ पर ये स्पीकर्स का इन्होंने आउटपुट दिया हुआ है और इसके अंदर इन्होंने सोनिक मास्टर का ऑडियो यूज़ किया है और ये देखिए आप ये आपके लैपटॉप का एयर वेंट्स है यहाँ पर आपका सी फैन भी इंस्टॉल्ड है और थोड़े वेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं और थोड़े एयर वेंट्स यहाँ पर भी दिए हुए हैं तो चलिए अब बात कर लेते हैं वाईफाई और ब्लूटूथ के बारे में तो इसके अंदर इन्होंने ब्लूटूथ का वर्जन फोर यूज़ किया है तो इसका जो वाईफाई है उसका स्टैंडर्ड है एट जीरो टू पॉइंट इलेवन ए सी अब बात कर लेते हैं इसके वेब कैम के बारे में तो ये देखिए यहाँ पर इसका वेब कैम दिया हुआ है और ये वेब कैम इंडिकेटर अगर आपका वेब कैम ऑन है तो यहाँ पर लाइट इंडिकेट करेगा और ये इसका माइक्रोफोन है ये सिंगल माइक्रोफोन के साथ आता है तो अब बात करूँ मैं अगर ये लैपटॉप के कैमरे की क्वालिटी की तो बहुत बेकार क्वालिटी का कैमरा इन्होंने यूज़ किया है तो अगर आप इसके कैमरे को कोई और लैपटॉप के कैमरे के साथ कंपेयर करोगे दो तीन चार पाँच साल पुराने भी लैपटॉप आप ले लोगे तो अगर इसके कैमरे के साथ कंपेयर करोगे तो आपको जो पाँच साल पुराना वाला लैपटॉप है उसका कैमरा ज़्यादा बेटर लगेगा क्योंकि इसका कैमरा काफ़ी पुअर क्वालिटी का इन्होंने यूज़ किया है इस लैपटॉप में मुझे बहुत सी चीज़ें अच्छी लगी सिर्फ के अंदर मुझे एक चीज बुरी लगी इसका कैमरा क्वालिटी अगर आप परचेस करोगे तो आप खुद देख लेना इसका कैमरा क्वालिटी कितना पुअर है तो चलिए आपको इस लैपटॉप के बारे में एक और एडिशनल इन्फॉमेशन देता हूँ अगर आपको इस लैपटॉप का वारंटी अपग्रेड करना है तो माई यसूस के वेबसाइट से आप इसका वारंटी अपग्रेड कर सकते हो कुछ थाउजेंड फिफ्टीन हंड्रेड के आसपास इसका कॉस्ट आएगा और ये आपको विद इन वन एटी डेज के अंदर ही करना होगा तो आपका वारंटी थ्री ईयर का हो जाएगा तो चलिए अब बात करते हैं लैपटॉप के फाइनल रिव्यू के बारे में तो अगर आप ये लैपटॉप परचेस करना चाहते हो तो आप परचेस कर सकते हो लेकिन परचेस करते वक्त आप सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना इसका कैमरा काफ़ी पुअर क्वालिटी का इन्होंने यूज़ किया है ये लैपटॉप चलने में काफ़ी स्मूथ है कीज़ भी इसकी की की अच्छी है क्लिक अच्छा हो रहा है इसके अंदर तो अगर आप ये लैपटॉप परचेस करोगे तो उसके साथ में आप एक एस भी परचेस कर लेना एम वाला तो अगर आप उसको इसके अंदर इंस्टॉल कर दोगे तो इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा मिलेगा आपको